दुनिया के सबसे बड़े कछुओं में से एक है और ये अटलांटिका, अलास्का, न्यूजीलैंड और भारतीय महासागरों में पाए जाते हैं और इन्हें लूटे टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सालों पहले इनकी संख्या करीब 1 लाख थी, जो कि अब घटकर मात्र 15,000 रह गई है। इनके विलुप्त होने का कारण समुद्र में गंदगी का होना है। अगर समुद्र में इसी तरह गंदगी फैलती रही तो एक दिन ये कछुए इस धरती से पूरी तरह विलुप्त हो जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेंटिंग ब्रश बनाने के लिए भारत में हर साल लगभग 1 लाख से भी ज्यादा नेवले मारे जाते हैं, क्योंकि नेवले के बालों से बने ब्रश काफी महंगे होते हैं और भारत में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मधुमक्खी एक छोटा जीव होने के बाद भी एक बार में लगभग 20 लाख फूलों का रस पी सकती है, लेकिन उसके बाद भी वो मात्र 45 किलो ही शहद बना पाती है। समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के मंगाया करता था और वो 5 रुपए के सिक्के से 6 ब्लेड बनाते थे। ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी, तो ब्लेड बनाने वालों को अच्छा खासा फायदा होता था। और कुछ समय बाद ये सब देखते हुए भारत सरकार ने सिक्के बनाने वाला मटेरियल ही चेंज कर दिया। बत्ती एक झाड़ी नुमा शाखा वाला पौधा है, जिसे प्राचीन काल से पांडवों की मशाल या टॉर्च कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्ते पर थोड़ा तेल लगाकर इसे जलाया जाए तो ये मोमबत्ती की तरह उजाला देता है। ये पत्ता एशिया के कई पहाड़ी इलाकों में 1400 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। 1985 में यूरोप और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में इंग्लिश स्वेटिंग सिकनेस नाम की एक रहस्यमयी बीमारी फैली थी, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता था और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो जाती थी और ये बीमारी छूने से फैलती थी। 1551 के बाद अचानक से ये बीमारी खत्म हो गई और आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता कि ये बीमारी कहां से आई थी और अचानक कहां चली गई। और 1551 के बाद से आज तक ये बीमारी किसी को भी नहीं हुई। दुनिया का सबसे भारी और वजनी तोता काकापो पैरट को माना जाता है। दोस्तों, ये तोता ज्यादातर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कई लोग इसे आउल पैरट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका फेस काफी हद तक उल्लू से मिलता है। क्या आप इस तोते के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताना। वैज्ञानिकों के अनुसार एक महिला मरने के बाद भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, क्योंकि मरने के बाद बॉडी में बनने वाली गैस प्रेशर पैदा करती है, जिससे बच्चा बाहर की ओर आ जाता है और इस प्रोसेस को कॉफिन बर्थ कहते हैं।